बच्चों कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे हो। तुमने वो कोई की कहानी तो सुनी होगी जिसमें वो घड़े में कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पी लेता है। सोचो कोई ने इतनी मेहनत क्यों की? सोचो अगर वो पानी ना पीता तो क्या हो जाता? बिल्कुल ठीक, वो मर जाता। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि पानी का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। सोचो क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? चलो आज हम देखते हैं पानी का उपयोग किन किन चीजों में होता है। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी का उपयोग नहाने के लिए भी किया जाता है। हम पानी का प्रयोग साफ सफाई के लिए भी करते हैं। पानी का इस्तेमाल खाना बनाते समय तो हमेशा ही होता है। बर्तन साफ करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी पानी आवश्यक है। पौधों को बड़े होने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। और कहीं आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाते हैं? बिल्कुल ठीक, आग जाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तैरने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बिल्कुल ठीक, पानी की। जब पानी होगा तभी तो तैरोगे। तो हमने पानी के अलग अलग प्रयोग देखे। यदि पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन असंभव है, तो हम कह सकते हैं जल ही जीवन है। क्या तुम्हें मालूम है कि पृथ्वी का लगभग 97% पानी खारा पानी है और सिर्फ लगभग 3% पानी मीठा पानी है, जिनका प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में करते हैं। देखा मीठा पानी कितना कम है, उसके बाद भी हम कितने प्रकार से पानी बर्बाद करते हैं। तुम्हारे घर में तो पानी बर्बाद होता होगा। सोचो कहां कहां और कब कब पानी बर्बाद होता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। हमने देखा पृथ्वी का 97% पानी समुद्र में। अब समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु से मिलोगे? चलो कुछ जीव जंतु से तुमको मिलवाता हूं। यह है शार्क, ये है मगरमच्छ, ये है मछली, ये है ऑक्टोपस, ये है सील, ये कछुआ, इसे तो पहचानते होंगे, ये है डॉल्फिन, ये है व्हेल। देखा कितने सारे समुद्री जीव हैं। इसके अलावा भी अनेक जीव जंतु समुद्र में रहते हैं। तुम्हारे घर में पानी किस किस काम आता है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और सोचेंगे कि पानी की बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं।